नमस्कार जेएनआई न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खास खबर की ओर आपको लेकर चल रहे हैं, जो कि आ रही है सीधी नई दिल्ली के रामलीला मैदान से। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक लोकतंत्र बचाओ महारैली का किया गया आयोजन। इस महारैली के आयोजन का उद्देश्य केंद्र सरकार की दमनकारी ईडी सीबीआई व इनकम टैक्स के बल पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को फर्जी मुकदमे में जेल भेजना और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए लगातार किए जा रहे तानाशाही निर्णय के विरुद्ध आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की मनमानी गिरफ्तारी, विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव के पहले जेल में डालने की सरकार की साजिश के विरुद्ध महारैली का आयोजन किया गया। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के सीनियर नेताओं द्वारा शिरकत की गई। इस रैली में 5 लाख लोगों का जमावड़ा नई दिल्ली रामलीला मैदान में हुआ। इस रैली में मिर्जापुर जनपद से आम आदमी पार्टी के ओजस्वी जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह व आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील कुमार पांडे, एडवोकेट एवं जिला महासचिव दिलीप सिंह गैरवार एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने महारैली में शिरकत की। रैली में आम आदमी पार्टी काशी प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन तिवारी एडवोकेट के नेतृत्व में हजारों लोगों ने काशी प्रांत से शिरकत की। मिर्जापुर जनपद से इस महारैली में पहुंचे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी व इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में समाजवादी ताकतों को देश की जनता इस बार बुरी तरीके से हराने का कार्य करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। महारैली में पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव काशी प्रांत सुनील कुमार पांडे एडवोकेट ने कहा कि पूरा भारत इस साम्राज्यवादी लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा। हम सभी लोग मिलकर 2024 में केंद्र सरकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। रैली में प्रमुख रूप से सम्मिलित होने वालों में श्री पवन तिवारी एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष, काशी प्रांत सुनील कुमार पांडे एडवोकेट प्रदेश सचिव, प्रोफेसर बी सिंह जिलाध्यक्ष मिर्जापुर, श्री रमाशंकर पटेल जिलाध्यक्ष वाराणसी, श्री दिलीप सिंह गैरवार जिला महासचिव मिर्जापुर, सत्यम त्रिपाठी जिलाध्यक्ष युद्ध सिंह मिर्जापुर, श्रीमती सीमा खान, श्रीमती पद्मिनी गुप्ता, अमर सिंह पटेल पूर्व विधायक प्रत्याशी पिंडरा पल्लवी पटेल प्रदेश एवं सचिव प्रभारी चंदोली इत्यादि सैकड़ों लोगों ने रैली में भाग लिया। आइए देखते हैं जेएनआई न्यूज चैनल के वरिष्ठ एंकर नेहा राठौर की खास रिपोर्ट। मैं सुनील कुमार पांडे प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी का सिपुरान। आज हम लोग नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में हमारे यशस्वी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली आयोजित है, उसमें आज देश के बड़े बड़े लीडरान आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले लाखों की संख्या में जनसैलाब आज यहाँ उपस्थित है। हम लोग संकल्प लेने आए हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की साम्राज्यवादी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और लोकतंत्र को स्थापित करने का कार्य जो है पूरे देश में करेंगे। जय हिंद, जय अरविंद केजरीवाल, जय आम आदमी पार्टी। अपना परिचय देते हुए आज रामलीला मैदान में आप आए हैं, क्या है आज का कार्यक्रम? अध्यक्ष काशीपुर आम आदमी पार्टी आज लोकतंत्र बचाओ महारैली आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हम लोग आए हैं और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। समय समय पर ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक रहा है। जब जब लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ है, जब जब लोकतंत्र में तानाशाही चढ़ी है और सरकार बेअंदाज हुई है, तो उसको परिवर्तन लाने का, संजीवनी देने का यह स्थल रामलीला मैदान भारत में ऐतिहासिक रहा है। समय समय पर लोकतंत्र को बचाने के लिए ये रामलीला मैदान दिल्ली का ऐतिहासिक परिवर्तन का जगह है और आज 21 मार्च को हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सारे लोग मोदी के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं और ईंट से ईंट बजाने का काम एनडीए सरकार को करेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया हारेगा, यही परिवर्तन हम देश की जनता को इस स्थल से देंगे। इस ऐतिहासिक स्थल ने हमेशा परिवर्तन की लहर की है, मुझे विश्वास है कि हम लोग यहाँ से परिवर्तन करके जाएंगे और जब लोकतंत्र का जो चुनाव चल रहा है सातों चरण में, इंडिया गठबंधन जीतेगा और गरीब जीतेगा, तानाशाही हारेगा, मोदी सा हारेगा।
इंकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जिंदाबाद।